नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 24 के चुनाव को लेकर योगी के सामने नीतीश कुमार चेहरा बनते जा रहे हैं। कभी ममता बनर्जी से मुलाकात तो कभी अखिलेश यादव से। ऐसे में जनता से पूछूंगा आखिरकार नीतीश को वो कितना जानते हैं और मोदी के सामने 2024 में नीतीश टिकते कहां हैं। क्या 24 में अब राहुल की जगह नीतीश कुमार बड़ी टक्कर दे पाएंगे और यूपी की जनता आखिरकार नीतीश को कितना जानती है, यही आज जानने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मेरे साथ इस बेबाक बातचीत का हिस्सा बनने। अभी तो खैर नगर निगम के चुनाव हैं, लेकिन आजकल एक चुनाव और चर्चा में है, वो है 2024 का चुनाव। राहुल गांधी तो अपनी सदस्यता निरस्त करवा बैठे जी। अब मोदी के सामने चेहरा एक बन रहा है नीतीश कुमार का। आप नीतीश को जानते हैं कि नहीं? बिहार के मुख्यमंत्री जी सर। कहाँ टिकते हैं मोदी के सामने? अभी तो नहीं टिक पाएंगे मोदी के सामने। अभी तो मोदी बहुत मजबूत कंडीशन में है। नीतीश एक राज्य के मंत्री मुख्यमंत्री है, अभी नहीं टिक पाएंगे, उन्हें वक्त लगेगा। आपको कितना लगता है, 10%, 20%, 5% कितना अड़ पाएंगे? ये कम से कम 30-40% तो अड़ पाएंगे। 30-40% जी। यानी 100 सीटें निकाल पाएगा मतलब पूरा विपक्ष मिलके नीतीश कुमार के साथ 100 सीटें तो बनती है। विपक्ष बहुत बड़ा है। हाँ। बहुत बड़ा है। पूरा देश सारा इकट्ठा होकर 100 निकाल लेगा। पूरा देश इकट्ठा होकर 100 सीटें तो कुछ भी नहीं है। विपक्ष बहुत मजबूत से मजबूत है कि नहीं? राहुल एक नेशनल पार्टी का लीडर है और वो तो मजबूत कंडीशन में है, उसके अभी पकड़ में नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी क्या मानते हैं कि नीतीश से बढ़िया और भी कैंडिडेट हो सकते हैं, प्रियंका गांधी और दूसरे जी? अपने लेवल पर सब बढ़िया ही काम करते हैं सर भैया, लेकिन अभी राहुल को थोड़ा और वक्त लगेगा। राहुल से बेहतर लीडर नहीं आएगा हिंदुस्तान की कंडीशन जो संभाल सकता है। आपका क्या नाम है भाई साहब? सरफराज। सरफराज, आप क्या देख रहे हैं, जानते हैं नीतीश को कि नहीं? नाम सुना? बिल्कुल जानते हैं। क्या जानते हैं उनके बारे में? बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन मोदी के सामने चेहरा कैसे? मोदी के सामने चेहरा तो हल्का है, मगर यह का वक्त लगता है। अभी सबसे बड़ा चेहरा कौन दिख रहा मोदी के सामने? मोदी के चेहरे तो मोदी के आगे तो कोई चेहरा नहीं विपक्ष में बड़ा। अगर विपक्ष एकजुट होकर भी मान लिया लगता है तब भी 100 सीट लगभग लग रहा है 19 से ज्यादा एकजुटता आ पाएगी। जब मायावती अखिलेश यादव भी साथ थे तब भी बेड़ा पार नहीं हुआ। सर ये अभी हमारे हिंदुस्तान की कंडीशन ये है कि चुनाव पब्लिक से चुनाव से नहीं हो रहा, सिस्टम से आगे आ रहे हैं। नहीं तो नकार तो चुके हैं इस पार्टी को। मुल्क की कंडीशन देखो क्या हाल है, महंगाई कहाँ चली गई है, जो कल महंगाई पे बोलता है आज कहाँ है लोग। तो जनता फिर भी जिता रही है? जनता नहीं जिता रही सर जी, सिस्टम से आते हैं जब भी आते हैं। सिस्टम कैसा? ये ईवीएम में गड़बड़ी बिल्कुल। अब देखो अखिलेश का चुनाव था, अखिलेश का चुनाव कहाँ रह गया, जबकि पकड़ अखिलेश की थी इस यूपी में, कहाँ है अखिलेश? अखिलेश तो 100 सीटों पे सिमट गए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिस्टम से जब भी आएंगे सिस्टम से आएंगे, नहीं तो लग रहा कि जनता जो है अखिलेश को वोट दे रही थी और चली गई योगी पे। जी ऐसा हुआ, ऐसा ही होता है जी भाई साहब, ऐसा हो गया क्या? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ, ऐसा हुआ है, बिल्कुल ऐसा हुआ है। अब आम आदमी को तो फैसिलिटी चाहिए, बताओ महंगाई कहाँ चली गई, रोजगार खत्म होते जा रहे हैं, बताओ रोजगार नहीं है। परसेंटेज देखो बेरोजगारी की कितनी कम हो गई, बढ़ चुकी बेरोजगारी बढ़ रही है जी, बिल्कुल बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। नहीं तो हमारा देश राज में आप क्या करते थे? जब भी हम मजदूर थे आज भी मजदूर है। फिर ये तो जो आदमी कर रहा था वो कर ही रहा है, फिर बेरोजगारी आपके लिए, आप अब नहीं कर रहे क्या? पर से इनकम कम हुई ना, इनकम पहले मजदूरी कितनी मिलती थी? पहले मतलब मेरा अपना काम है, पहले इनकम ज़्यादा थी, अब वो लेवल घटता जा रहा है काम का। पहले मजदूरी 500 थी अब 200 हो गई। हाँ, लेवल कम हो गया, मतलब मजदूरी घट गई। हाँ जी कम है भाई साहब, घट गई मजदूरी, घट 200 पे आ गई क्या? हाँ जी 200 200 रुपए जी कमाता रहो, 200 भी नहीं कमा रहा, घट चुकी है, घट गई मजदूरी, कम हो गई इनकम, मतलब मजदूरी घटी क्या? जी 200 रुपए हो गई, बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई। ये तो कोई मजदूर मिला नहीं 200 रुपए में, मुझे तो कोई मजदूर नहीं मिला 200 रुपए। परसेंटेज बता रहा हूँ, मजदूरी तो 500 ही है। मान लो अगर जो मैं 1000 रुपए का, पहले कितनी थी? अगर जो मान लो 5 साल पहले कितनी थी? चलो 10 साल पहले बात करो, 5 साल पहले कितनी थी, चलो बताओ कौन सरकार कितनी थी? जब पूरा मुल्क, पूरा वर्ल्ड 200-250 रुपए थी तो सही, पूरा वर्ल्ड मंदी से गुजर रहा था, एक हमारा मुल्क ऐसा 200 रुपए थी ना, अपनी जीडीपी बचा के ले गया, 250 रुपए मजदूरी थी ना, मजदूरी
भी मजदूर का तो 400 रुपए परसेंटेज देखो ना भैया, परसेंटेज देखो। मान लो मैं 1000 रुपए कमाने वाला था, आज मैं 500-700 रुपए कमा रहा हूँ, परसेंटेज कमाई, महंगाई का असर पड़ रहा है उस पर। क्यों, जब मेरा खर्चा नहीं पूरा होगा तो मैं क्या क्या और खर्च कर पाऊँगा, जब मेरा रोटी सही नहीं पूरा ना। यह सीधा सीधा सवाल है। आप क्या मानते हैं भाई साहब, हम 24 में मोदी के सामने नीतीश कुमार कहाँ अड़ेंगे ये बताओगे भाई साहब? आप जानते नीतीश कुमार को नहीं? हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री है। कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है। हट जाएंगे सामने की? हट जाएंगे अच्छे नहीं तो मोदी को हरा देंगे भाई। देखो कोशिश तो रहेगी। बताओ मतलब ऐसा चेहरा नजर आ रहा है जो हरा पाएंगे? नहीं, कोशिश तो देखो पूरी है उनकी भाई, 90%। हाँ जी सही बात है, कोशिश तो सब करेंगे, विपक्ष भी कोशिश करेगा। कोशिश तो 2014 में हुई, फिर 19 में हुई, फिर 22 में हुई, 17 में हुई, अब 24 में कोशिश रंग लाएगी। एपीएम जी जा के ले जा रहा हमारे गृह मंत्री, पहले ही कह रहे हैं कि 303 सीटा लावेंगे हम, और वही 303 सीटा ला रही है। गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ है जी, तो मतलब बटन दब गई रहा, वोट जा गई रही। बिल्कुल, एक बटन की राज, एक वोट की राज इस पर हम दे रहे हैं और 12 वोट जा रहा है भाजपा को, बटन वही दब रहा। ऐसा हो रहा है, थप्पे से इलेक्शन होना चाहिए, थप्पा लगे बस एक तरफ, उससे बढ़िया कोई हिसाब नहीं है। थप्पा सही है? थप्पा बहुत बढ़िया है, उसमें गड़बड़ी की आशंका, उसमें गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं होती। सबसे ज्यादा बुरी बात तो इस सरकार में हिंदू मुसलमान, सबसे ज्यादा। मतलब कैसे हिंदू मुसलमान? कैसे हिंदू मुसलमान? माल्या यह के एक दो कानून है, दो तरह के हिंदू के लिए कुछ, मुसलमान के लिए कुछ। ऐसा मुसलमान के लिए कौन सा कानून है साहेब? भैया बात सुनो, ये तो आपको भी नजर आ रहा होगा कैसा चल रहा है माहौल, क्या चल रहा है, जो बताएंगे वो आप भी देखो ना क्या चल रहा है। मतलब हम अतीक और अशरफ की हत्या पे बोल रहे हैं? नहीं, उन पे नहीं, एनकाउंटर जो हो रहे हैं उनसे कोई मामला नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं हमें। मैं पूरे उसके पूरे जब से सिस्टम चल रहा है, जब से ये सरकार चल रही है, जब से हिंदू मुसलमान, जब भी इलेक्शन आता है हिंदू मुसलमान करते हैं, इससे अलावा और कोई काम ही नहीं है इन्हें, न ये महंगाई को देख रहे हैं। मतलब इस बार कैसे हिंदू मुसलमान किया? बस अब भी यहाँ भी हमारे सहारनपुर में हिंदू मुसलमान ही हो गए। कैसे? जो भी सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हिंदू अलग हो गए, मुसलमान अलग हो गए। तो लोगों की सोच है ना, जो लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन हमारी सोच तो नहीं ऐसी है, हमारे लिए तो वो भी हमारा भाई आएगा। ये है कि महंगाई नीचे हो जाए, गरीब को क्या चाहिए, आटा दाल चावल इन पर पैसे गिरो जा, तेल पर पैसे गिरो जा, और क्या चाहिए? महंगाई पे कंट्रोल नहीं है सरकार का, महंगाई बढ़ रही है। जी जी बिल्कुल, गरीब सिलेंडर 1100। जी जी देखो आपको पता है, बिल्कुल महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है इस सरकार पे। आपका क्या मुद्दा है भाई साहब? हमारा तो ये कोई मुद्दा नहीं है अभी, मतलब बात हो रही कि भाई रोजगार की बात हो रही, कोई महंगाई की बात कर रहा, कोई हिंदू मुसलमान की बात कर रहा, जैसे वो बड़े मियां कह रहे थे। तो आपको क्या लगता है, ये कह रही है सरकार हिंदू मुसलमान करा रही है? नहीं, इस टाइम बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है, और हिंदू मुस्लिम तो नहीं देखने में मिल रहा कहीं पर, और बहुत सी जगह ऐसा भी है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जहाँ मुसलमानों पर नाजायजती की जा रही है, ऐसा बहुत कुछ देखने को मिल रहा है न्यूज़ पे ही। देख वहाँ पे देखा आपने? ये सोनीपत में देखा भी, वहाँ पे रमज़ान में मस्जिद में बवाल हुआ था, जो तो आपस आधी ख़राब करने वाली बात है, जो हमारा आपसी भाईचारा है वो खराब करने वाली बात है, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। तो एक्शन होना चाहिए जो इस तरह से कर रहे हैं। जी एक्शन होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए कानून। लेकिन सब कह रहे हैं कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं यूपी में। नहीं, एनकाउंटर नहीं होने चाहिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, वहाँ क्या हुआ क्या हुआ नहीं पता, लेकिन जो एनकाउंटर हो रहे वो गलत है। मतलब किसी के साथ नाजायजती करना, नाजायज मारना, कोई अगर गलत है तो सही है, एनकाउंटर करो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वैसे किसी को गलत मारोगे तो गलत है। अतीक और अशरफ शरीफ लोग थे क्या बड़े, मतलब नहीं सादे थे? वो तो बदमाश थे, उन्हें क्या कहना, गुंडे हैं है? खुले गुंडे हैं, खुले गुंडे हैं। जी तो योगी जी का कुछ काम आपको सही लग रहा, कुछ गलत लग रहा? नहीं कोई लगा अभी तक के तो कुछ ज़्यादा खास नहीं, बेरोजगारी की वजह से, बेरोजगार ज़्यादा है आज के टाइम में आपको देखने को मिल रहा। क्या कर रहे हैं? खाली घूम रहे, रोजगार नहीं, रोजगार है ही नहीं, पूरी मार्केट परेशान है, हर जगह पे कहीं पे चले जाओ वहीं पे आपको यही दिखेगा कि बेरोजगारी से परेशान है लोग, परेशान हो करके मजदूरी करनी पड़ रही लड़कों को आजकल के टाइम में, पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पर घूम रहे, आपको देखने को मिलता होगा मार्केटों में जाके, चकारी ज्यादा हो रही है, चोरी चकारी चल गई। जी तो ऐसे लोग तो जेल में जाने चाहिए चोरी चकारी वाले। जी इस समय जब रोजगार नहीं है तो क्या करता है आदमी? आप कितना पढ़े लिखे हो? कुछ नहीं, काम ही करते हैं, आरा मशीन का काम कर। तो काम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बस ऐसा ही लग रहा है ना, पूरा पट रहा है, आ जाओ बता, नहीं पट आएगा बता दो ना अपनी। तो लोगों की अपनी राय है ये। भाई साहब आपका क्या नाम है? मोहम्मद ताज।
एक बात अभी लगातार उठ रही है कि 24 का चुनाव आएगा और अब विपक्ष का चेहरा नीतीश कुमार बनेंगे, आप जानते हैं नीतीश कुमार को कि नहीं? नीतीश कुमार को नहीं, वो तो उधर के हैं, बिहार के। हाँ बिहार के, वो पीएम का चेहरा बन रहे हैं मोदी के सामने। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। टिक पाएंगे कि नहीं, मतलब ईमानदारी से पूछ रहा हूं। ना ना कहीं नहीं टिकते। मोदी के, मोदी में ऐसा क्या करिश्मा है जो नीतीश नहीं टिके? ये तो सब देख रहे, ये तो लगभग कितने साल से चल ही रहा है। लोग कह रहे कि ये ईवीएम की गड़बड़ी के कारण हो रहा सारा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मानते हैं अभी कई लोग ये कह रहे कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो शायद चीज़ें ऐसी ना हो, मोदी हट जाए। ऐसा कुछ नहीं, ये तो समीकरण है, समीकरण जिसके पक्ष में चला जाएगा उसको मिल जाएगा। मान रहे कि जनता ही वोट दे रही है। हाँ वोट तो जनता ही दे रही है। इस बार भी आपको उम्मीद नहीं है कि कोई और टक्कर दे पाएगा? कोई नहीं टक्कर दे पाएगा, ना योगी को ना मोदी को। योगी को भी नहीं? योगी को भी नहीं। योगी में ऐसा क्या? बात सरकार उसकी है, सत्ता की है। सत्ता की है। हाँ योगी सत्ता चला रहे हैं कुछ सही कि नहीं? हाँ नहीं सही चला रहे हैं जी। मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो भेदभाव कर रहे हैं, वो हिंदू को अलग चश्मे से देखते और मुसलमान को अलग चश्मे से। आप पढ़े लिखे हैं तो आपको राजनीति के लिए चलता ही है, करना पड़ता है और करते हैं, पब्लिक करती है। जब हिंदू ज़्यादा हैं और ऐसे चुनाव के टाइम पर समीकरण ऐसा बना दिया जाता है कि लोग वोट उधर ही चला जाता है, अब बाकी विपक्ष मिल गया कहीं भी दे दे वो जीत नहीं पाएंगे। सवाल ये भी है कि जो जिस तरीके से जो गुंडों पे एनकाउंटर हो रहे हैं, उनकी हत्या भी हो गई अतीक और अशरफ की, उस पर भी लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमान थे इसलिए इनको वो कर दिया, आप इसको मानते हैं कि, या आप मानते हैं कि जो चल रहा है जिस हिसाब से वो सही होना भी चाहिए? वैसे इस बात के लिए मैं सारी मीडिया से कहना चाहता हूँ, सारी मीडिया से, ये सवाल आप पब्लिक से क्यों कर रहे हैं अतीक वाला? ये सवाल तो आपको योगी या मोदी या राष्ट्रपति से करना चाहिए या नहीं, आप बताओ इस बात के लिए। नहीं मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग उनको बड़ा शरीफ आदमी बता रहे थे कि वो तो बहुत शरीफ। लोगों की बात ना देखो, आप ये देखो कि इस इतना महत्वपूर्ण मामला तो तब भी करा था जब विकास दुबे मरा था। विकास दुबे की अभी बात नहीं हो रही, पहले इसकी समस्या का समाधान करो। नहीं तब किसी लोग ने छाती नहीं पीटी, किसी ने नहीं कहा कि ये गलत हो रहा, धर्म के चश्मे से देखा जा रहा, लेकिन इनको धर्म के चश्मे से देखा जा रहा। उसने कितने पुलिस वाले मारे थे? आठ पुलिस वाले मारे थे ना, तो लेकिन वो पुलिस ने किया उसको भी, असद ने भी तो किस तरीके से पुलिस वालों को मार दिया, दो पुलिस वाले। ना हम असद की बात कर रहे हैं ना विकास दुबे की, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर कुछ हद तक ठीक है कि नहीं है यूपी में? आप पहले इस पर आ जाओ, अतीक वाले मुद्दे पर सवाल आपने किया, आप अतीक की बात देखो कि पुलिस की इतनी मौजूदगी में दो आदमियों को मार दिया जाता है और तीन आदमी आते हैं और धड़ाधड़ गोलियां मार के चले जाते हैं, उनको खरोच भी नहीं आती। और प्रशासन या कोई भी हमारे देश की, ये तो फेलियर है ही पुलिस का, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, कुछ रही नहीं है, तो फेलियर। आपको इस चीज़ का सवाल करना चाहिए ना, आप सवाल ये तो फेलियर था समझ में आ गए, लेकिन एक माफिया मारा गया तो उसके प्रति अब सहानुभूति क्यों है? नहीं सहानुभूति की बात नहीं, एक माफिया है या नहीं है ये तो कोर्ट तय करेगी। 150 केस माफिया पे लगेंगे ना आम आदमी पे, 150 उसको सजा भी हो गई थी, उम्र कैद की। भी सुनते होंगे जेल से किस तरीके से धमकाने का और अपने गुर्गों को उठाने का काम करते होंगे आपके मोबाइल पे, तो बिल्कुल हो गई थी और आगे भी और मुकदमे चल रहे थे, शायद उसमें उसको फांसी भी होती, वो कोई दिक्कत नहीं थी, वो जो कोर्ट सजा देती सबको एक्सेप्ट होता। लेकिन ये बात आप आम पब्लिक में और मुसलमान के एरिया में जा जाकर मुसलमान से ही ये बात का सवाल किया जाता है आपको, ये सवाल हमारी सरकार क्यों नहीं देख रही कि इतना बड़ा काम हो गया इतनी पुलिस के बीच में? सरकार ने तो जुडिशियल जांच बिठाई थी उस पर, तो कह रहे हैं पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए। ये तो जुडिशियल जांच तो चलती रहती है, जितने इनकाउंटर होते हैं उसकी भी कोई ना कोई जांच होती है, उसकी भी कोई ना कोई रिपोर्ट आती है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसमें तो योगी जी को जवाब देना चाहिए, पुलिस तो योगी जी की है, अमित शाह की है, गृह मंत्री है, उनको जवाब देना चाहिए, पब्लिक से आप क्यों सवाल कर रहे हैं? व्यवस्था यकीन हुआ था फिर एक बार और उठ गया, जो कांड होना था यकीन हुआ था जी, कानून व्यवस्था बढ़िया बनाई थी योगी सरकार ने, लेकिन ये जो कांड हुआ ना अतीक अहमद का कि दो आदमी आते हैं कस्टडी में वो शूट करके चले आते हैं, तो फिर यकीन थोड़ा डगमगाया, नहीं तो हम बेखौफ चल रहे थे, कानून व्यवस्था अच्छी थी योगी सरकार में। योगी जी देंगे, मोदी देंगे या राष्ट्रपति को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, मतलब इस पे कुछ ना कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ ना कुछ बड़ा होना चाहिए था राष्ट्रपति को। योगी तो कल आए थे, वो तो ये कह रहे थे कि यूपी में ना अब तमंचा ना दंगा, यूपी अब चंगा, ये तो नारे होते हैं आपको पता, मोदी सरकार ने 15 लाख और 20 लाख और बहुत सारे नारे होते हैं, बहुत सारे वादे होते हैं। दंगों खात्मा हुआ नहीं दंगाइयों का जिस तरीके से, अभी दंगे होते हैं कि यूपी में? दंगाइयों के लिए सख्ती है, कोई दिक्कत नहीं है,
और भय का डर भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं लॉन्च कर दिया अभी बीजेपी ने एक गाना लॉन्च किया, इस गाने पे आप क्या कहेंगे? उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष कसा, कहा कि गुंडे पुकारते हैं अखिलेश चाहिए, यूपी को फिर जलाएंगे, इस तरह की उनमें लाइन है। आप ऐसे गानों, ये तो नारे होते हैं, ये तो नारे हैं, इनसे कोई इनका कोई मतलब नहीं होता। तो जनता बेबाकी से बोल रही है, कई मुद्दों पर कुछ लोग राजी भी हैं, लेकिन कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि कानून व्यवस्था आखिर ऐसी क्यों। आप भी बोलिए और लगातार जुड़ रही है एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से चलती रहेगी बेरोक टोक।